गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास सेवेंथ की बुक है हिंदी व्याकरण की। आज मैं आप लोगों का इसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण, मतलब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा के बारे में, चलें देखते हैं। भाषा, लैंग्वेज, भाषा विविधता का वह अमूल वरदान है जो केवल मनुष्य को मिला है। यदि यह वरदान न मिला होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की भांति दयनीय दशा में ही जी रहा होता। जो मन में जो भाव उठते हैं और बुद्धि में जो विचार आते हैं, उन्हें हम कहकर या लिखकर प्रकट कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं का वर्णन कर देते हैं। उसी प्रकार दूसरों के भाव या विचारों को भाषा के कारण ही जान लेते हैं। तो कहा जा रहा, जो भाषा हमारी है ये मतलब भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य वरदान है जो केवल मनुष्य को मिला है, मतलब कि जो सिर्फ मनुष्य के लिए ही है ये भाषा। और ये जो वरदान है, अगर ना मिलता हम लोगों को तो जो मनुष्य हैं वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की तरह ही, मतलब उन्हीं की तरह ही जी रहे होते। और हम लोगों के मन में जो भाव उठते, जो विचार मनुष्य बुद्धि में आते, हम उन्हें कैसे मतलब लिख कर या मतलब कहकर कैसे प्रकट करते हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं का वर्णन कर देते अगर, तो उसी प्रकार बताया जा रहा है कि जो दूसरे के भाव या विचार को हम क्या कहते हैं, भाषा के द्वारा ही जान लेते हैं। मतलब दूसरों के विचार होते या उनके द्वारा भाव या विचार हो, उनको हम किसके द्वारा जान पाते हैं, भाषा के द्वारा। और भाषा जो है वो व्यक्ति और समाज की वह अनूठी पूंजी है जिसके द्वारा भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर समझते या समझाते हैं। तो बताया जाए जो भाषा है वो व्यक्ति और समाज की वह मतलब अनोखी पूंजी है जिसके द्वारा हम अपने भाव और अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर समझते हैं या समझाते हैं। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना या बोलना। हम जानते हैं कि हम परस्पर शब्दों या वाक्यों से बोलते हैं, ये कहना और सुनना भाषा के कारण ही होता है। इस प्रकार भाषा की यहाँ परिभाषा दी गई है, वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकते हैं तथा दूसरे पढ़कर अथवा सुनकर विचारों को समझ सकते हैं, भाषा कहलाता है। मतलब बताया जा रहा है जो भाषा हमारे शब्द भाष्य भाषा हमारा है वो भाष्य शब्द से मतलब धातु से बना हुआ है। और इसका अर्थ होता है, भाष्य का अर्थ होता है कहना या बोलना। मतलब भाषा के द्वारा ही हम कह और सुन पाते हैं। और भाषा की परिभाषा दी गई है कि वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर या सुनकर विचारों को समझ सकते हैं, वह भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी, चीनी, जर्मन, अरबी, फारसी, उर्दू आदि प्रमुख हैं। हमारे देश में भी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है जिनमें प्रमुख है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तमिल, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला आदि। बताया जा रहा है कि जो हमारा संसार है पूरा, उसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। वो बोली जाती है हिंदी हुई, अंग्रेज़ी, जर्मनी, चीनी, जर्मन, अरबी, फारसी, उर्दू। और हमारे देश में, हमारा भारत देश है, उसमें भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी हुई, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, बंगला, मराठी आदि। तो भाषा अलग अलग तरीके की भाषाएं हमारे देश में भी बोली जाती हैं। और भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज, हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोल करता और लिख कर प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो भेद हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मतलब जो हमारे विचार हुए, हमारे जो भाव हुए, उन्हें हम लिख कर या बोल कर जो प्रकट करते हैं, उनके आधार पर भाषा के कितने दो भेद हैं। मतलब कि एक भाषा को मौखिक मतलब दो भागों में बांटा गया, एक मौखिक भाषा हुई, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा
भाषा का वह रूप जिनमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो जो मौखिक भाषा होती है उसमें आप क्या करते हैं, अपने जो विचार होते हैं उसे आप बोलकर प्रकट करते हैं, जो सामने वाला होता है दूसरा उसे सुनकर समझता है, यही भाषा का मौखिक रूप है, मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। बातचीत, वाद विवाद, भाषा और कोई घटना या कहानी सुनने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग, मतलब कि बताया जा रहा है कि जो हमारा मौखिक भाषा है उसका यूज़ बातचीत करने में, वाद विवाद में, मतलब कोई लड़ाई झगड़े में, भाषण देने में, कोई घटना या मतलब कहानी सुनने में, और मतलब यही सब भाषा के रूप हैं, इनका यूज़ इसी तरह होता है। देखें आप ये टेप रिकॉर्डर से जो दादा दादी हैं वो गाने सुन रहे हैं और यहाँ एक नेता क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। नंबर सेकंड है जो लिखित भाषा, उसके बारे में चले जानते हैं। भाषा का वह रूप जिनमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव प्रकट लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को सोचो कर रखा जाता है, संजो कर। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा का इसी रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब बताया जा रहा है कि जो भाषा का लिखित रूप है उसमें जो व्यक्ति है वो अपने विचार, अपने मन के भावों को लिखकर मतलब प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझता है, यही को लिख इसी को लिखित भाषा कहते हैं। और भाषा के जो लिखित रूप हैं उसके द्वारा जानकारी ज़्यादातर लोग सजो का मतलब हिफाजत, उसको कायदे से हिफाजत से उसको रखते हैं। और जो इसका भाषा का वो है रूप, वो है पत्र लिखना, लेखक लेख लिखना, पुस्तक लिखना, कहानी लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि, ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो टीचर हैं वो बोर्ड पर लिख रही हैं और बच्चे उन्हें देख कर पढ़ कर समझ रहे हैं। यहाँ एक लड़की क्या कर रही है, पत्र लिख रही है और ये पत्र वो जिसके पास भी भेजेगी उस वो उसे पढ़कर समझेगा। नंबर जो तीन है ये सांकेतिक भाषा है, जो कि मतलब ज़्यादा यूज़ इसका नहीं होता। जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझी जाए और समझाई जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे मूक बाथिर व्यक्तियों का वार्तालाप, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही आदि, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। मतलब बताया जा रहा है कि इसका जो अध्ययन है सांकेतिक भाषा, उसका ज़्यादा व्याकरण में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये इशारों से बात की जाती है और समझी जाती है और समझाई जाती है, और ज़्यादातर इसका यूज़ चौराहे पर खड़े जो वो होते हैं क्या कहते हैं, जो रास्ते की देखा देखी करते हैं वही बताते हैं कि किधर से ज़्यादा सही रहेगा। यातायात जो नियंत्रित करने वाले सिपाही होते हैं वो करते हैं, और एक अंपायर लोग करते हैं जब मैच होता है। अब मातृभाषा, बच्चा जिस समाज में पलता बढ़ता है उसी की भाषा वह बोलने लगता है, उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा ही सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा। ये बताया जा रहा कि जो मातृभाषा क्या है, कोई भी बच्चा अगर जैसे वो जन्म से लेकर पैदा हुआ और फिर उसके बाद वो जिस जगह पे जिस घर में रहता है उस घर में जिस तरह की भाषा बोली जाती है वही वो बोलता है, वही सीखता है, उसकी वही मातृभाषा होती है। मतलब किसी भी परिवार में, किसी भी मतलब हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला जो छोटा बच्चा या बालक है वो जो स्टार्टिंग से जो भाषा सुनेगा बोलेगा वही उसकी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो समाज के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये लगभग 75% भारतीय लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये बताया जा रहा है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश में रहने वाले अधिकतर लोग उसका यूज़ करते हैं। जिस भाषा का यूज़ देश में रहने वाले सब ज़्यादातर लोग करते हैं उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।
और राष्ट्रभाषा मतलब हर देश की अपनी अपनी अलग अलग राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की अंग्रेज़ी हो गई है, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसिया, तो इसी तरह हमारे भारत देश की भी अपनी राष्ट्रभाषा है, वो है हिंदी। क्योंकि हमारे भारत देश में 70% मतलब 70% लोग हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं राजभाषा। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों है, अमेरिका की राजभाषा अंग्रेज़ी है। मतलब ये बताया जा रहा कि राजभाषा क्या है, तो वह राजभाषा वो है जो देश में मतलब देश के जो कार्यालय हुए या राजकाज मतलब कि उनके द्वारा जो राजकाज होते हैं, काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, उसमें जो प्रयोग की जाती है, उसमें यूज़ की जाती है, बोली जाती है, वो आपकी राजभाषा होती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों है, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों है, जबकि अमेरिका की अंग्रेज़ी राजभाषा है। और हमारे देश की राजभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली सामान्य जन सामान्य की भाषा को बोली कहते हैं। अपने क्षेत्र में बाहर से बाहर इनका कोई प्रभाव विशेष प्रभाव नहीं होता। बोली में प्रायः साहित्य रचना भी नहीं होती और ना ही पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन होता है। लेकिन कभी कभी कोई बोली विकसित होने होकर भाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जो विकसित होकर एक समर्थ भाषा हिंदी का रूप ले चुकी है। विश्व की कई अन्य भाषाएं भी बोलियों से विकसित हुई है। मतलब कि बताया जा रहा है जो हमारी बोली है, बोली क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में विशेष मतलब किसी क्षेत्र के विशेष में बोली जाने वाली जो जन सामान्य भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे अपने क्षेत्र से किसी बाहर दूसरे जगह जाएंगे तो आपको मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बोली मतलब जो होती है वो सामान्य रचना होती है, नहीं होती है, और ना ही पत्र पत्रिकाओं में इसका कोई यूज़ होता है, मतलब प्रकाशन होता है। लेकिन कभी कभी जो बोली होती है वो एक विकसित रूप लेकर भाषा बन जाती है। जैसे इसका खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का मतलब रूप विकसित रूप लेकर क्या बन चुकी है, हिंदी भाषा बन चुकी है ना। तो वैसे ही बताया जा रहा कि विश्व में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और जो हमारी हिंदी है भाषा वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। मतलब कि जो आप लिखते भी समान है और बोलते भी समान है। और हिंदी फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। मतलब कि जो हिंदी भाषा है वो फिजी में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि में आदि देशों में बोली जाती है हमारी हिंदी भाषा। तो ये जो हमारी वीडियो है ये यहीं पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि ये कंप्लीट नहीं हुए। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और उसके बारे में पढ़ाएंगे तो रीड कराएंगे। तो इतना पहले आप लोग पहले रीड करें एंड लर्न करें एंड समझें कि क्या मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से रीड करें एंड समझें। टेक केयर।